सागर, दीपिका, आज से पहले मैंने इससे भद्दा मजाक कभी नहीं सुना। अनिशा, ये मजाक नहीं, सच्चाई, और तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी। तुम बेवजह परेशान हो रही हो अनिशा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम सबका फायदा है और तुम्हारा भी। सागर, नुकसान और फायदे से पहले सही और गलत के बारे में भी सोचना चाहिए। बस अनिशा, ये नैतिक विज्ञान का लेक्चर देके हमें बोर करना बंद करो, और तुम्हारा ये लेक्चर सुन के हम लोग अपना फैसला नहीं बदलेंगे। देख लेना, तुम दोनों बहुत पछताओगे। ओह नो, ये गाड़ी तो हमारी तरफ आ रही है। अब क्या करें? हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। सागर, क्या तुम मीर को अकेले ऊपर तक लेके जा पाओगे? पहले भी कई बार लेके गया हूँ, शराब पीने के बाद हमेशा ड्रामे करता है। ठीक है, तो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अच्छा सुनो, सुबह जल्दी उठ के शादी में जाना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सुबह जल्दी मिलते हैं। सुनो, जल्दी आना, हमेशा इतने लेट मत करना। ओके सर, आपकी कुछ मदद करें, एक व्हील चेयर ले आओ। व्हील चेयर की क्या जरूरत है सर, हम दोनों इन्हें ऊपर ले जाते हैं। आपका कमरा नंबर 303 है ना? जितना बोला उतना करो ना। माफ करें सर, अभी लाए। उठाओ इसे, जब सहन नहीं होती तो पीता क्यों मैं? सर खाने में कुछ लेंगे? एक सूप ले आओ। ओके सर। सर इन्होंने सूप ऑर्डर किया। जब से ये लोग इस होटल में रहने आए हैं ना, ऐसा तीसरी बार हुआ है। पता नहीं इतनी शराब क्यों पीते हैं, जब पचा ही नहीं सकते। अगर साहब, मीर साहब, सर रूम सर्विस। साहब क्या हुआ, दरवाजा नहीं खोल रहे? नहीं, देखना दोपहर हो गई है, लगता है इन्हें रूम की सफाई नहीं करवानी है। हो सकता है शायद सो रहे होंगे। सो रहे होंगे अब तक? हाँ, मैंने सुबह फोन भी किया था नाश्ते के ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और आज तो उनको किसी शादी में भी जाना था सुबह। शादी में भी जाना था और अब तक सो भी रहे, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम यहीं रुको, मैं मैनेजर साहब को लेके आता हूँ। ठीक है। मैं दीपिका जी को। साहब, साहब, साहब दरवाजा खोलिए। देखिए मैडम, दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। सागर, सागर दरवाजा खोलो। मीर, दरवाजा खोलो। सागर अभी चिंता हो रही है, दरवाजा खोलो। मैम, मिस्टर मीर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन सागर जी वो तो कल रात नशे में भी नहीं थे। मैं फोन करती हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। मैम अगर आप इजाजत है तो मैं मास्टर की से दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ प्लीज। नील, तुम सोच भी नहीं सकते मैं छुट्टियों को लेकर कितनी उत्सुक हूँ। आखिरकार तुम्हारे ऑफिस वाले और मेरे ऑफिस वाले राजी हो ही गए और हमें एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। समझ में नहीं आता कि इंसान अगर दिन में 14 घंटे काम करेगा तो वही अपनी खूबसूरत बीवी के साथ वक्त कब बिताएगा। नहीं नील, तुम अपने आँखें सड़कता रखो, तुम जानते हो ना तुम जब भी गाड़ी चलाते हो मुझे कितना डर लगता है। अरे तुम बेवजह घबरा रही हो। अरे वो देखो, वो क्या है, वहाँ कोई लड़की सच में पड़ी है। देखो देखो, नील हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सुनिए सुनिए, आके खोलिए। आप ठीक तो हैं? मैं पानी लेकर आता हूं। ये लो। पानी पीजिए। आके खोलिए। सुनिए आप ठीक तो हैं? CID। CID? नील हमें इनको अस्पताल लेकर चलना चाहिए। हाँ, और मैं CID को भी खबर कर देता हूँ। ठीक है।
एसी भी ऑन है और खिड़की भी खुली है। आप लोगों में से किसी ने यहाँ किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने बस नब्ज देखी और आपको फोन करके बुला लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सागर और मीर नहीं रहे। कल रात तक तो अच्छे भले थे दोनों। ये देखो फ्रेडी, मीर का खून गला घोट के किया गया। हाँ सर, गले पे लाल निशान साफ साफ दिख रहा है। निशान देख के लगता है कि नायलॉन के रस्सी से गला घोटा गया इसका। कमाल है, सागर के शरीर पे कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। सर, हो सकता है कि सिर्फ मीर का खून हुआ हो और सागर अपने आप मर गया हो, दिल का दौरा पड़ने की वजह से या फिर और कोई बीमारी की वजह से। नहीं सर, सागर को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। आप चाहे तो मैं आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट तो हम देख ही लेंगे। वैसे आप है कौन? मैं दीपिका, सागर और मीर की चचेरी बहन। सर हम लोग यहाँ शादी में आए थे। और ये शादी कब है? सर आज सुबह ही थी। कल रात देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। और रात को इन दोनों की मौत हो गई। आप लोगों में से आखिरी बार किसने देखा था इन्हें? सर मैंने देखा था। कल मिस्टर मीर बहुत ज्यादा शराब पी लिए थे और होश में नहीं थे सर। तब मिस्टर सागर इन्हें होटल में लेकर आए थे, तब देखा था सर। क्या मीर अक्सर शराब पीता था? हाँ सर, मीर बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके बाद किसी ने देखा इन्हें? हो सकता है कोई कमरे में आया हो रूम सर्विस के लिए या किसी और काम के लिए। हाँ सर, मैं आया था रूम में सूप लेकर। उस वक्त मीर साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे और सागर साहब टीवी देख रहे थे। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? करीब 12:30 बजे। 12:30 बजे, मतलब उसके बाद इस कमरे का दरवाजा खुला नहीं है। आप लोगों ने आधे घंटे पहले दूसरे चाबी से दरवाजा खोला, राइट? जी सर। इसका मतलब है कोई और आया था यहाँ इस कमरे में, कोई तीसरा आदमी, शायद इस खिड़की से। ये नामुमकिन है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त नीचे पहरा देते रहते हैं, तो कोई खिड़की से कैसे आ सकता है? कोई गेस्ट आया था इनसे मिलने के लिए? नहीं, कोई गेस्ट अंदर नहीं आया, कोई खिड़की से अंदर नहीं आया। इसका मतलब है खून होटल के स्टाफ में से किसी ने किया है, ठीक उसी तरीके से, और शायद वो इस दरवाजे से ही अंदर आया, दूसरे चाबी से ये कमरे का दरवाजा खोला गया। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर, भला हम अपने कस्टमर का खून क्यों करेंगे? शायद लूटने के इरादे से। रेडी पंकज, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर रात को 2 बजे तक तो कॉरिडोर में मैं फोन पे बात कर रहा था, मैंने तो किसी को इनके कमरे में आते हुए नहीं देखा। आपका कमरा कौन सा है? सर वो 304। सर सर इस ड्रॉअर में पैसे मिले सर। पैसे? मतलब ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया है। और कमरे की हालत भी एकदम दुरुस्त है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई हाथापाई हुई यहाँ पे। हाँ सर, अगर कोई बाहर वाला आदमी होता तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हाथापाई तो की होती। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी था वो जान पहचान वाला ही था। क्यों दीपिका जी सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि इस कमरे के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, एक पहेली है। सर मोबाइल फोन मिला है। सर ये तो सागर का फोन है। सागर का फोन? और मीर का फोन मिला? नहीं। मीर का फोन? सर पता नहीं कहाँ है। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। बड़ी पंकज, आसपास दूसरे कमरों की भी तलाशी लो और यहाँ पे जितने उंगलियों के निशान मिलते हैं सब उठा लो। हेलो, हाँ क्या, कहाँ पे? Excuse me, ये वार्ड नंबर 3 का है? उस तरफ। इस तरफ। आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ। नील आप ही हैं? जी। आप ही ने हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर दया को फोन किया था, एक मरीज को हमारी जरूरत है। हाँ सर, वो एक लड़की है, वो मुझे और मेरी पत्नी को मरुआ रोड पे एक खाई के पास घायल अवस्था में मिली थी। घायल अवस्था में? जी हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर खाई में फेंक दिया था। उन्हें देख सकते हैं कहाँ है वो? हाँ आइए सर। प्लीज रेखा,
ये लोग CID से हैं। अच्छा ये बताइए कि इनके पास से आप लोगों को कुछ मिला क्या? जी सर, सर इनके पास से हमें ये लाइसेंस मिला है और सर ये मोबाइल भी मिला है। अनीशा, सर हमने सोचा कि इनके घर वालों को फोन करके खबर कर दें, तो हमने इन्हीं के फोन से कुछ लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। किसी ने भी फोन नहीं उठाया? हाँ सर। दीपिका, सागर, मीर। अरे सर ये तो वही लोग हैं। इन सबको फोन किया था तुमने? जी हाँ सर, इनके फोन लिस्ट में इनकी सबसे ज्यादा बात इन्हीं लोगों से हुई थी, इसलिए। ठीक है, इनकी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। और साहब अब इनकी तबीयत कैसी है? सर इन्हें मामूली चोटें लगी है, पर सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई थी, अब ये ठीक है। इनसे बात तो कर सकते हैं ना? जी सर। अनीशा जी आंखें खोलिए, देखिए ये CID वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए अनीशा जी, आप घबराइए मत। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, और ये दीपिका, मीर और सागर आपके लगते क्या है? वो मेरे चचेरे भाई बहन है, पर उन्होंने उसके साथ क्या किया? किसके साथ? मीर के साथ। देखिए अनीशा जी, मीर की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ सागर की भी। क्या भगवान, मुझे पहले ही लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। अनीशा जी आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज साफ साफ कहिए। हमारे एक रिश्तेदार की शादी होने वाली थी, कल रात हम चारों उसी के संगीत के फंक्शन से वापस लौट रहे थे, तभी मरुआ रोड पे तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक हैं, घबराओ मत, ये हमारा ही प्लान था। क्या? चलो। मीर का मोबाइल फोन रास्ते में कहीं फेंक देना, और ध्यान रहे जब तक हमें हमारा पैसा ना मिल जाए मीर बेहोश ही रहना चाहिए। ये लो नया सिम कार्ड, मीर के परिवार वालों से फिरौती की मांग इसी नंबर से करनी है, और हाँ हमें फोन मत करना, वक्त आने पर हम लोग खुद कांटेक्ट करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, मीर हमारा चचेरा भाई है। अनीशा तुम हमारे प्लान में दखल अंदाजी मत करो, वरना। वरना क्या? मीर को हम बाद में खुद देख लेंगे, पहले तुम इसको ठिकाने लगो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? देखा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दीपिका और सागर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, छोड़ो मुझे। तो मतलब दीपिका और सागर अपने चचेरे भाई मीर को अगवा करना चाहते थे? हाँ सर, अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि उनके दिमाग में ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है तो मैं मीर को पहले ही सावधान कर देती, लेकिन मैं भी फंस गई बेवजह उनके प्लान में, और जब मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे चलती गाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया। क्या जमाना आ गया, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते? वो तो अच्छा हुआ वहाँ एक पेड़ की वजह से मैं खाई में नीचे गिरते गिरते बच गई, वरना मैं भी मीर के साथ मारी जाती। मगर सागर की मौत कैसे हुई? इसी का पता हम भी लगा रहे हैं। सर लगता है दीपिका इस पूरे जन्म में मिली हुई है, उसी ने होटल के कमरे में जाके दोनों को मार दिया। वही तो, तभी तो उसने हमें अनीशा जी के बारे में भी नहीं बताया। लेकिन वो मीर को मारेंगे क्यों, वो तो सिर्फ उससे पैसे चाहते थे, तभी तो वहाँ पे उन्होंने कुछ गुंडों को भी बुलाया था जिससे कि मीर को पता ना चल पाए कि उसे अगवा किया किसने। हो सकता है सागर और दीपिका के बीच में पैसे के बंटवारे को लेके लड़ाई झगड़ा हो, और इसीलिए वो लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके। हेलो पंकज, हमें शक है कि मीर और सागर के खून में दीपिका का हाथ है, एक काम करो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लो। क्या दीपिका भाग गई? दीपिका होटल से भाग गई? हाँ फ्रेडी, दीपिका भाग गई। अनीशा जी, इस केस को सॉल्व करने में हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत हो रही है। आपके डॉक्टर तारिका वो तो चली गई छुट्टी लेकर के, और दो दो लाशों का बोझ मेरे कंधों पर। अरे सर, तारिका जी को थोड़ी ना मालूम था कि ऐसा केस आने वाला है, और वैसे भी उन्होंने पहले से आपसे छुट्टी ली थी और सारी टिकट वगैरह पहले से ही बुक हो चुकी थी। हाँ सर, अभिजीत ने खुद लाइन में लगकर टिकट की बुकिंग करवाई थी तारिका जी के लिए। हाँ। है ना? अरे यार ये रास की बात है, तू सबके सामने।
आसान होंगे। अब तक तो तूने मेरे होनर ऑफिसर्स को बता ही दिया होगा कि मौत हुई कैसे। बस आपके ये होनर ऑफिसर, इन्हें किसी और चीज से फुर्सत मिले तो लाश की बात करें ना। देखिए सर, हम लोग यहाँ सिर्फ लाश की बातें ही करने आए हैं। ओह रियली? जी बताइए बताइए। बस इस मीर की मौत हुई है गला दबाने की वजह से। किसी ने बहुत ही होशियारी के साथ इसकी जेगुलर वेन को दबा दिया और तोड़ दिया, और ये काम किसी एक्सपर्ट का है। वो अच्छी तरह से जानता है कि गले के कौन से हिस्से को दबाने से जल्दी से मौत हो जाएगी। मीर ने शराब भी पी रखी थी ना? शराब भी पी रखी थी, और मीर के खून में मुझे एक ड्रग मिली, डोडीन नाम की ड्रग, जो इंसान को बहुत गहरी नींद में सुला देती है। जब इस मीर का खून हो रहा होगा ना, इसे पता भी नहीं चला होगा। ये मीर होटल जाने से पहले संगीत के फंक्शन में गया था, शायद वहीं किसी ने इसे ये ड्रग दी होगी। अरे मीर की मौत हुई कब? मीर की मौत हुई है लगभग 16 घंटे पहले। 16 घंटे पहले? मतलब जब सागर मीर को व्हीलचेयर के ऊपर बिठाकर होटल के अंदर ले जा रहा था, तब तक ये मीर मर चुका था। बिल्कुल दया, इनफैक्ट सागर मीर को नहीं, मीर की लाश को कमरे में ले जा रहा था। तो सागर की मौत कब हुई? सागर की मौत हुई है मीर की मौत के ठीक 12 घंटे के बाद, और सागर की बॉडी पर कहीं किसी किस्म की चोट के निशान नहीं। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे साड़ुंखे? इसकी मौत हुई है सफोकेशन की वजह से। किसी वजह से इसका दम घुट गया, ऑक्सीजन ने इसके फेफड़ों में जाना बंद कर दिया, और इसी वजह से सागर की मौत हो गई। पर सर, सागर का दम घुटा कैसे? ये पता लगाना भी बाकी है, लेकिन हाँ फिलहाल मैं आप लोगों को एक बहुत अहम सुराग दे सकता हूँ। क्या क्या सुराग? एक मिनट। बस ये मीर के कपड़ों के रेशे, और इस पैट्री डिश में सागर के कपड़ों के रेशे। ये कैसा सुराग है डॉक्टर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा पहले बड़ों की बात अच्छी तरह से सुन लेनी चाहिए, फिर समझ में आएगा। हाँ बस मीर के कपड़ों के रेशे मुझे सागर के कपड़ों के पीछे के हिस्से पर मिले, और सागर के कपड़े के रेशे मुझे मीर के कपड़े के आगे के हिस्से पर मिले। क्या 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 क्या? मीर की शर्ट के रेशे सागर की शर्ट के पीठ की तरफ, और सागर की शर्ट के रेशे मीर की शर्ट पे आगे की तरफ। आप हमें सुराग दे रहे हैं या हमारी उलझनों को और बड़ा कर रहे हैं? अभिजीत, हर बंद ताले को खुलने के बाद एक नए सुराग का दरवाजा खुलता है। फिलहाल इस ताले की चाबी ढूंढनी है। ये पता लगाना है कि इन दोनों के कपड़ों के रेशे एक दूसरे के कपड़ों पर आए तो आए कैसे। पता लगा लेंगे सांखे। जब तूने इतना सब पता लगा लिया है तो फिर इसके आगे का हम पता लगा ही लेंगे। सर उस दीपिका का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। वो ना तो अपने घर गई, ना कोई सहेली के पास, और तो और सर उसने अपना फोन होटल के बाहर ही कहीं फेंक दिया ताकि हम लोग उसका पीछा ना कर सके। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि दीपिका का कोई ना कोई संबंध जरूर है मीर के खून के साथ, इसीलिए तो वो गायब हो गई। सर अगर ऐसी बात है तो दीपिका को पहले ही गायब हो जाना चाहिए था, वो हमसे मिली क्यों? शायद उसे ये पता नहीं था कि सागर की भी मौत हो जाएगी, और जैसे सागर की मौत होगी सारी बाजी पलट गई। और फिर अनिशा ने भी तो ये कहा था ना। हाँ सर, अनिशा को भी मालूम नहीं है दीपिका कहाँ जा सकती है, और मीर को संगीत समारोह में ड्रग किसने दिया ये भी वो नहीं जानती। सर लगता है सागर और दीपिका के मिली भगत में ये बेचारी अनिशा बेवजह फंस गई है। सर सागर के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए, लेकिन रिकॉर्ड्स में एक बहुत अजीब बात है। क्या? सर यही कि कल रात से लेकर आज सुबह 6 बजे तक सागर को मीर के नंबर से कॉल आए। मीर? ये कैसे हो सकता है सर? मीर तो मर चुका है, फिर उसका नंबर कौन यूज कर रहा है? सीधी बात है, अगर मीर मर चुका है तो फिर उसका फोन कौन इस्तेमाल कर सकता है? वो खूनी इस्तेमाल कर सकता है ना सागर को फोन करने के लिए। तभी मीर का फोन मिला नहीं हमें होटल के कमरे में से। शायद ये फोन दीपिका के पास ही है सर। ये देखो, सागर की मौत के कुछ ही मिनट पहले उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था। अनजान नंबर से? अनजान नंबर? सर फिर तो सागर की मौत का और इस अनजान नंबर वाले का कुछ ना कुछ संबंध तो है। पता लगाना पड़ेगा इन दोनों फोन्स के बारे में, मीर का फोन नंबर और फिर इस अनजान नंबर के बारे में।
बस आप इतनी गाड़ी रोक दीजिए। अनिशा, क्या ये वही जगह है? हाँ सर, ये वही जगह है जहाँ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोकी थी और फिर मुझे दूसरी गाड़ी में डाल दिया खाई में फेंकने के लिए। और दीपिका और सागर उस दिशा में चले गए थे। दीपिका और सागर उस दिशा में चले गए? जी सर। लेकिन एक बात बताओ अनिशा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही जगह है, वही सड़क है? रात का समय था, हो सकता है तुम कुछ भूल कर रही हो। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है ये वही जगह है। जब गुंडे हमारी गाड़ी के आगे आए थे तो हमारी गाड़ी वो पेड़ से टकराई थी। उस पेड़ से? जी सर। सर, यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान भी हैं। हाँ, जैसे ब्रेक लगाया। और सर, हाँ, यहाँ पे दूसरी गाड़ी भी थी, उसके टायर के भी निशान है यहाँ पे। है तो सही, दूसरी गाड़ी के ही निशान है। ये देखो, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। सर, शायद मीर और दीपिका की गाड़ी के होंगे। हाँ, हो सकता है। लेकिन सर, उनकी गाड़ी जब होटल में आई थी तो सही सलामत थी। वही तो फ्रेडी, वही तो। जब उनकी गाड़ी होटल में आई थी तो बिल्कुल सही सलामत थी। जरूर गाड़ी की मरम्मत की गई होगी, क्योंकि जब हमने गाड़ी होटल पर देखी तो बिल्कुल वैसे के वैसे थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था उस गाड़ी को। ये कुछ और ही चक्कर है। गोली निकल, फोर्स देना। गोली चली है यहाँ पर। अनिशा, जब गुंडों के साथ मुठभेड़ हुई तब क्या किसी ने गोली चलाई थी या गोली चली थी? नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं चलाई, पर हो सकता है मेरे जाने के बाद चली हो। तुम्हारे जाने के बाद? अनिशा के जाने के बाद गोली चली थी? आ गया। अच्छा, सागर को मिहिर के फोन से जो फोन आया था वो कहां से आया था उसका पता चल गया है? हम जहां पर खड़े वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर है, कोई ढाबा है। एक काम करो, डिटेल लोकेशन का एमएमएस भेज देना या एसएमएस भेज देना, ठीक है? ग्रेट वर्क। सिस्टर, आप अनिशा को हॉस्पिटल ले जाना। निखिल, फोन करके दूसरी गाड़ी का इंतजाम करो। ढाबा। ये है वो प्रकाश ढाबा, यहां से किया गया था सागर को फोन। आइए आइए सर, क्या खिलाऊं आपको? दाल मखनी, कढ़ाई पनीर या फिर सरसों का साग? बस कर यार, और नाम मत लेना वरना मेरे चूहों में पेट दौड़ने लगेंगे। सॉरी सर, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। तो अच्छी बात है ना साहब, हमारा धंधा और बढ़ेगा। देखो, हम यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, तहकीकात करने के लिए आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तू चुप रहे छोटू, साहब हुआ क्या है? हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो पता लगा ही लेंगे। खैर, पहले ये बताओ, 14 तारीख की रात को क्या तुम्हारे यहाँ एक कस्टमर आया था जो रात भर तुम्हारे इस ढाबे पर ही था? रात भर? रात भर 10 बजे से लेके 6 बजे तक। क्या वो रात भर फोन पे ही बात कर रहा था? साहब, ढाबे पे तो नहीं था, पर हाँ, सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर एक आदमी बैठा था और वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। तो क्या तुमने उसे अच्छी तरह से देखा? नहीं साहब, अंधेरा था इसके लिए चेहरा नहीं देख पाया। अच्छा, क्या वो अकेले गाड़ी में था या उसके साथ कोई और भी था? उसके साथ ड्राइवर था साहब, वो 2-3 दफा चाय लेने आया, खुद के लिए और वो दूसरे आदमी के लिए भी। और हाँ साहब, उसने कैंची भी तो मांगी थी। हाँ, कैंची मांगी थी, वो किस लिए? क्या मालूम साहब, बड़ा ही अजीब था वो ड्राइवर। गाड़ी से उतरा, मिट्टी और पत्थर जमा करके फिर से गाड़ी में बैठ गया। क्या जमाना आ गया है सर, आजकल लोग सड़क पर से पत्थर और मिट्टी भी चुराने लगे।
किसी और काम के लिए फ्रेडी, पत्थर और मिट्टी किसी और काम के लिए। क्या वो ड्राइवर भी फोन पे बात कर रहा था? नहीं साहब, जो पीछे बैठा था वही आदमी बात कर रहा था। ड्राइवर को तो तुमने अच्छी तरह से देखा है ना? हाँ। तो हमारे लिए उसका एक स्केच बनवाओ, ठीक है? हाँ। ये है वो उलझी हुई पहली डॉट साहब। मीर की लाश यहाँ पड़ी थी, सागर की वहां। मीर की मौत 7:30 बजे हुई थी और सागर की उसके 12 घंटे के बाद, है ना? और मीर की मौत की वजह है नायलॉन की रस्सी से गला दबाना, सागर की मौत की वजह है दम घुटना। पर अभिजीत, कमरे में कोई तीसरा आदमी था नहीं, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सर, इस केस में सबसे अजीब बात तो यह है कि सागर ने मीर की लाश के साथ 12 घंटे क्यों गुजारे? और सर, मीर का खून सागर ने किया होता तो वो लाश को वापस होटल में लाने का खतरा क्यों उठाता? अक्सर खूनी खून करने के बाद लाश को किसी सुनसान जगह फेंक देता है। तुम दोनों के सवालों का जवाब इस चलते हुए एसी और इस खुली हुई खिड़की के बीच छुपा हुआ है जो दया को क्राइम सीन पे दिखाता है। सर, ये भी तो हो सकता है कि सागर का दम घुट रहा हो और उसने खिड़की खोल दी हो ताकि खुली हवा में सांस ले सके। नहीं सचिन, बात इतनी आसान नहीं है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मुझे मीर की कमीज पर सागर की शर्ट के रेशे और सागर की शर्ट पर मीर की कमीज के रेशे मिले। दोनों की कमीजों पर एक दूसरे के कपड़े के रेशे हैं। यस सर। सर, ये दोनों की कमीज पे एक दूसरे का धागा मिलना, चलते हुए एसी के बाद भी खिड़की का खुला हुआ होना, ये एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। पर वो क्या है? कि सागर ने मीर की लाश को दोबारा यहाँ लाने का खतरा इसलिए उठाया ताकि वो मीर की मौत को हादसा या फिर खुदकुशी का रूप दे सके। यानी सर, सागर ने पहले लाश को उठाया और फिर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। एग्जैक्टली। उसने सोचा होगा कि सबसे कह दूंगा कि शराब के नशे में मीर खिड़की के नीचे गिर गया, लेकिन इसके पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता उसकी मौत हो। हाँ सर, ये गुत्थी आधी तो सुलझ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस कमरे में सागर और मीर के अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर सागर की मौत अचानक कैसे हो गई? सचिन, उसकी मौत का राज उस अनजान फोन कॉल में छुपा हुआ है जो उसे सुबह सुबह आया था। हाँ पंकज, अनजान कॉल का पता चल चुका है, कहां से की गई थी? वेरी गुड। कौन सी जगह? जूला टावर। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच पंकज, थैंक यू जी। जूला टावर तो वो रही बिल्कुल सामने, जो अभी तक पूरी बनी भी नहीं है। या डॉक्टर साहब, सर आप यहाँ देखिए, तब तक हम लोग जूला टावर का चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हुआ था। साहब, कौन है आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? सीआईडी से हम लोग, हमारी ससुराल वाले। सीआईडी? कुछ हुआ है क्या साहब? क्या बात है साहब? साहब कुछ तो बताइए। चुपचाप आओ, पीछे पीछे हमारे, समझे? ये देखो, यहां से कमरा नंबर 303 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जरूर उस आदमी ने सागर को यहीं से फोन किया होगा। परसों रात तुम ही ड्यूटी पे थे यहाँ पे? हाँ साहब, मैं तो हर रात यहाँ ड्यूटी पर ही रहता हूँ। तो जरा ठीक से याद करके बताओ, परसों रात यहाँ पे कोई अजनबी आया था इस बिल्डिंग में? साहब, कुछ कॉलेज के बच्चे थे, कह रहे थे किसी पिक्चर की शूटिंग करनी है। पिक्चर की शूटिंग? कौन से पिक्चर, क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने कहा कुछ छोटी सी पिक्चर की शूटिंग करनी है कॉलेज के एग्जाम के लिए। उन्होंने मुझे 15,000 रुपये दिए और तुमने उन्हें अनुमति दे दी यहाँ शूट करने की? जी, मुझे लगा मेरी और मेरे बच्चों की मदद भी हो जाएगी। और खूनी की भी? खूनी? हाँ खूनी, तुम ही बताओ उन लोगों का नाम नंबर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं साहब। अच्छा ये बताओ कि वो बच्चे आए कैसे? साहब वो लोग नीले रंग की गाड़ी में आए थे। नीली गाड़ी? गाड़ी का नंबर क्या? गाड़ी का नंबर याद नहीं, बहुत अंधेरा था। अच्छी चौकीदारी कर रहे हो, उनका नाम पता तक नहीं लिया तुमने, सिर्फ गाड़ी का रंग याद है बस। गलती हो गई साहब, पर हाँ साहब एक बात है जो शायद आपको कुछ काम आ जाए। क्या बात? साहब वो लोग उस कैमरे की बात कर रहे थे जो आपने साथ लेकर के आए थे, कह रहे थे महंगा है, संभाल के रखना, भाड़ा देना है। भाड़े का कैमरा?
सर श्रेय और पंकज लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने फिल्म का कैमरा कहाँ से किराए पे लिया था। गुड। और दया, ड्राइवर का स्केच बन गया? हाँ सर, वो स्केच हमने सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में भेज दिए। बहुत जल्द उसकी पहचान हमारे सामने होगी। तू यहाँ आया? लैब में बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्यूरो में चल के चाय पी लेता हूँ। अरे चाय तो हम आपको जरूर पिलाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया है जो आप भागे भागे यहाँ चले आए? सुराग हाथ में तो नहीं लगाया अभिजीत, लेकिन लगने वाला है। ये देखो, ये चार्ट देख रहे हो? ये तो कोई कैलकुलेशन चार्ट लगता है। किस चीज का चार्ट है ये? बॉस, ये मीर और सागर की मौत का कैलकुलेशन चार्ट। अगर मेरी कैलकुलेशन सही निकल गई ना, तो इस सागर के दम घुटने का राज यूं पता चल जाएगा। यूं सर, आइए सर, ये मिस्टर सोहन है। उन कॉलेज स्टूडेंट्स को कैमरा किराए पे इन्होंने ही दिया था। कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो? सर, QR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ये मेडिकल कॉलेज के बच्चों को फिल्म मेकिंग में कहां से इंटरेस्ट होने लगा? कितने लोग आए थे? सर, 4 स्टूडेंट्स थे। 4 लोग? तो उनमें से किसी ने तो अपना नाम बताया होगा। हाँ सर, एक लड़के ने अपना नाम और नंबर दिया था। क्या नाम है उसका? सुनील। सर, नंबर बंद आ रहा है उसका, रास्ते भर ट्राई कर रहा था मैं। जरूर इस मेडिकल स्टूडेंट में से कोई है जो इन दोनों पर नजर रख रहा था, मीर और सागर पर। हाँ सर, और सुबह जिस प्राइवेट नंबर से सागर को फोन आया था, वो भी इनमें से किसी ने किया होगा। बस इस मेडिकल कॉलेज में जाकर इन स्टूडेंट से मिलो, जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही मिलेगा। हेलो, ड्राइवर का पता चल गया? कहाँ रहता है वो? ये ड्राइवर चंदन, लगता है 9 to 11 हो गया। तो ढूंढो। पैसों का बैग तो यहीं पे है। पैसों का बैग, इसका मतलब वो शहर छोड़ के भागा नहीं है, पैसे लेने जरूर वापस आएगा। अरे भाई साहब, जी साहब इधर आना। जी साहब, अरे ये चंदन कहाँ गया, कुछ पता है क्या? गाड़ी तो यही है, यही कहीं होगा। ठीक है, आप जाइए। कहीं वही गाड़ी तो नहीं जिसे ढाबे वाले ने देखा था? चलो देखते हैं। सर, ये गाड़ी दीपिका की है, ये देखिए पेपर। दीपिका की गाड़ी? और ये देखो, पत्थर पे सूखा हुआ खून, शायद ये वही कंकड़ पत्थर है जिन्हें ड्राइवर ताबे के पास इकट्ठा कर रहा था। और ये कैची भी, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया होगा उसने? सर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, गाड़ी का ड्राइवर भी गायब है, ये पत्थर, कैची, इन सब चीजों का क्या संबंध है सर? पंकज, जो भी पता चल जाएगा कि जो कोई भी इस गाड़ी के पिछले सीट में बैठा था, वही पूरी रात मीर के फोन के जरिए सागर से बात कर रहा था, और अब ये सूखा हुआ खून बहुत जल्द हमें उसकी असली पहचान बता देगा। करण, तू 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहा? प्रोफेसर अमन बहुत नाराज हो रहे थे। क्या करूं यार, बुखार उतर ही नहीं रहा, लगता है मुझे फ्लू हो गया। बुखार? इसका माथा तो बिल्कुल ठंडा है। सर, तुम चारों ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। कैसी मुसीबत सर? जवाब मैं नहीं, CID देगी। CID? बिरजू, आप सब लोग यहाँ? बहुत बड़ी भूल हुई जो तुम लोग को शूटिंग करने दी, CID के चक्कर में फंस गया मैं। लेकिन CID क्यों? शूटिंग करना कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है।
शूटिंग करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन खूनी की मदद करना गैर कानूनी है, और इसके लिए तुम सबको जेल हो सकती है, समझे? सर, खून? हमने किसी खूनी की मदद नहीं की सर। जिस वक्त तुम लोग बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त बिल्डिंग के सामने वाले होटल रॉयल मून में एक जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था, और इस काम में तुम में से किसी ने खूनी की मदद की है। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम स्टूडेंट्स हैं, हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा कुछ करके हम हमारा भविष्य अंधकार में क्यों डालेंगे? इसका पता तो अभी चल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त शूटिंग चल रही थी, तुम में से कोई कुछ वक्त के लिए बाहर गया था क्या? हाँ सर, करण गया था ऊपर वाले फ्लोर पे अपने डायलॉग से याद करने के लिए। यार अंकित, मुझे क्यों फंसा रहा है? यार मैं तुझे फंसा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच बता रहा हूँ। तू अपना हैंडी कैम भी लेकर गया था अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ सर, हैंडी कैम लेकर गया था, लेकिन जब वो वापस आया उसमें कोई वीडियो नहीं था। यार वो गलती से डिलीट हो गया था। देखो करण, झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोलोगे, लेकिन ये तुम सीआईडी के सामने नहीं कर सकते, समझे? इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बताओ। बोलो। ये ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है करण, सच सच बता दो। सर मुझे डर था कि मेरी अटेंडेंस कम होने की वजह से मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तभी अचानक मुझे किसी ने एक दिन चिट्ठी भेजी और साथ में एक सिम कार्ड भी। उस चिट्ठी में लिखा था कि उस होटल के कमरे में जो भी कुछ हो रहा है उसकी लाइव फीड रिकॉर्ड करके मैं उसे दूं और साथ में उसे फोन भी करूं, तो वो मुझे फेल होने से बचा लेगा। तो सर मैंने वैसा ही किया। मतलब अगर तुम उस जुर्म का आंखों देखा हाल भेजते और उस आदमी को यानी कि सागर को फोन करते तो तुम परीक्षा में पास हो जाते? जी सर। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, किसने तुम्हारे साथ गंदा मजाक किया है और तुम उसके बहकावे में आ गए। वो खत जिसने लिखा था वो तो बच नहीं पाएगा। वैसे इस लेटर में और क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही सागर उस आदमी को खिड़की तक लाए तो मैं सागर को फोन करूं और 5 बार घंटी बजते ही मैं वहां से चला जाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो करण? पास होने के लिए तुम किसी की खून करने में मदद करो? शर्मनाक है ये, शर्मनाक। यार मैं इस बात के लिए पहले से ही शर्मिंदा हूँ। तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी होनी भी चाहिए, समझे? अच्छा फिर फोन करने के बाद क्या हुआ? सागर ने मेरा फोन उठाया नहीं, बस वो अचानक वहीं खड़ा रहा। मैंने फोन किया, 5 बार घंटी बजी, उसके बाद फोन काट कर मैं वहां से चला गया। ठीक है, देखो ये सारी बात हम लोगों के बीच में रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर खूनी हमारे आसपास है तो उसे इस बात की भनक भी लगे। मैं समझ सकता हूं सर। और करण तुम, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा होटल रॉयल मून में जहां क्राइम हुआ है। करण अब बता, सागर और मीर एग्जैक्टली कहां पे खड़े हुए थे? यहां पर सर, मीर सागर के कंधों पर झूल रहा था। और तुमने सुबह 6 बजे के करीब उनको फोन किया? जी सर। करण ये समझो कि तुम सागर हो और इंस्पेक्टर सचिन मीर। ठीक से याद करके बताओ कि सागर ने मीर को कैसे उठा रखा। आप अपनी बाजू यहां पर रखिए। यस सर। और अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। लो बंद किया। जी तो इसका मतलब मीर के हाथ सागर के कंधों पे नहीं बल्कि गर्दन के पास थे। जी सर। इस तरह से? जी। और फिर तुम्हारे फोन करने के बाद क्या हुआ? मुझे कहा गया था कि फोन का रिंग 5 बार बजने के बाद तुम वहां से चले जाना। फोन तो बजा पर फोन सागर ने उठाया नहीं। उठाता कैसे भैया, उस वक्त तो मीर सागर का खून कर रहा था। मीर सागर का खून कर रहा था? सर ये कैसे मुमकिन है, मीर तो खुद एक लाश था। तो तुमसे किसने कहा श्रेया की लाश खून नहीं कर सकती? तुम्हारे फोन करने के बाद क्या हुआ? मुझे कहा गया था कि फोन का रिंग 5 बार बजने के बाद तुम वहां से चले जाना। फोन तो बजा पर फोन सागर ने उठाया नहीं। उठाता कैसे भैया, उस वक्त तो मीर सागर का खून कर रहा था। मीर सागर का खून कर रहा था? सर ये कैसे मुमकिन है, मीर तो खुद एक लाश था। तो तुमसे किसने कहा श्रेया की लाश खून नहीं कर सकती? सालू के साहब आप भी फ्रेडी की तरह। एक मिनट सचिन, मैं कोई आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं रिगर मोर्टिस की बात कर रहा हूँ। याद है अभिजीत, कुछ सालों पहले भी ऐसा ही एक केस हुआ था। तुम पूछना अपने एसीपी साहब से, उस केस में एक लाश ने एक आदमी को गोली मारी थी। मैं भी यही सोचा था डॉक्टर साहब। अब इसे संयोग कहिए या बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस वक्त सागर मीर की लाश को नीचे फेंकने वाला था, रिगर मोर्टिस सेट हो रहा था। उसने सागर के गर्दन को जकड़ा और दम घुटने की वजह से सागर की मौत हो गई। एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा होगा, सागर कमरे में आया और किसी के फोन का इंतजार करने लगा जो उसे बताने वाला था कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। फोन आने के बाद सागर ने मीर को बिस्तर से उठाया और उसे खिड़की की तरफ लेके गया
ताकि मीर को हत्या या आत्महत्या बनाया जा सके। लेकिन एक बात है अभिजीत, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई संयोग था या कोई बुरे काम का बुरा नतीजा था, बल्कि मुझे लगता है सागर को फोन ठीक उसी वक्त जानबूझकर किया गया जब मीर के हाथों में राइगर मोर्टिस सेट हो रहा हो और मीर का हाथ सागर की गर्दन दबा सके। आपकी बात में दम है सरों के सर, वरना सागर के पास तो पूरी रात थी इस जुर्म को अंजाम देने के लिए, उसने सुबह तक इंतजार किया ही क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मीर के साथ साथ सागर का भी टिकट कट जाए और उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, कानून उस तक पहुंच ही ना पाए। मगर सालून के साहब, खूनी ना तो यहाँ पे था और ना ही खूनी उस बिल्डिंग में था, तो फिर खूनी को ये कैसे पता चला कि मीर का शरीर कब पकड़ने वाला है और सागर उसे कब उठाने वाला है? करण के फोन के जरिए। मगर सर, सागर ने मेरा फोन तो उठाया ही नहीं, 5 बार रिंग बजी और मैं वहां से भाग गया। अभी बताता हूँ। श्रेया, जरा सागर के फोन पे कॉल करना। सर। ठीक है। सचिन, अब जरा तुम कॉल करना। ठीक है। करण, अब तुम अपने फोन से सागर को कॉल करो। ये क्या सर, मेरे फोन करने पर अलग तरह की रिंग बजी? जी हाँ, बिल्कुल अलग तरीके की रिंग, एक ऐसी रिंग जिसने सागर को सम्मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज, तभी तो वो तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। सर, इतनी बड़ी साजिश? बिल्कुल श्रेया, ये मुजरिम कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जिसे रिगर मोर्टिस की बहुत अच्छी जानकारी है और लोगों को सम्मोहित करने की भी। ये कहीं करण के कॉलेज का कोई प्रोफेसर तो नहीं, कोई एक्सपर्ट? आज सारे स्टूडेंट्स सही समय पर आ गए, वेरी गुड। सर, क्या आप आज हमें पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले? जी, भविष्य में जो भी फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता मैडम आ गए। ऑफिसर्स, आप लोग यहाँ? जी हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी फॉरेंसिक साइंस की ABCD सीख लें। हाँ, शायद किसी को इम्प्रेस करने के काम आ जाए, हैं? क्यों अभी जी? वैसे प्रोफेसर रमन, आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? सर, आज रिगर मोर्टिस की क्लास है। रिगर मोर्टिस? जी सर। यानी लाश की अकड़न के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों को सिखाए जाएंगे, हैं? जी सर, इसलिए हमने खास तौर पर इस विषय के विशेषज्ञ को बुलाया है। अच्छा, कौन है ये विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट? जरा हमारी भी मुलाकात करवा दीजिए इनसे। अरे वेरी, विशेषज्ञ को नहीं पहचाना तुमने? प्रोफेसर अनीशा, जरा इनका खिला खिला चेहरा देखिए, ऐसी मुस्कान है इनके चेहरे पे जैसे मुजरिमों को तब होती है जब उन्हें गलत फहमी हो जाती है कि वो CID से बच गया। क्यों, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे खून की प्लानिंग तो वाकई बहुत सोच समझ के की थी आपने, मगर एक गलती कर दी, CID को हल्के में आंक लिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो खुद घायल हूँ, उन्होंने मुझे खाई में फेंक दिया था, क्या भूल गए आप लोग? हम कुछ नहीं भूले, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको खाई में फेंका नहीं गया था, आप खुद उतरी थी वहाँ पे, आपके शरीर पे ये जो जख्म है, चोट के निशान है, ये खुद आपने बनाए हैं। क्या सबूत है ये निशान मैंने बनाए? वैसे हम जानते हैं कि फॉरेंसिक डॉक्टर होने का फायदा उठाकर आपने इस केस में ज्यादा सुराग नहीं छोड़े, पर उस कार को साफ करना भूल गई हैं आप। पत्थर पे जो खून मिला है और कैंची पे जो उंगलियों के निशान है वो आपके हैं अभिषा जी, हमारे पास काफी सबूत है आपको अदालत में खूनी साबित करने के लिए। बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं अमीशा जी, अब सिर्फ जेल का दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। अब बताइए, क्यों किया आपने ये सब? दीपिका और सागर ने प्लान बनाया था, मीर को किडनैप कर लेंगे और बदले में उसके ट्रस्ट से ढेर सारा पैसा मांगेंगे। उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता लग गया है और बदले में उनके खिलाफ मैं एक और प्लान बना रही थी जो उनके प्लान से कई ज्यादा खतरनाक था। और उस ड्राइवर और दीपिका का क्या किया तुमने? दोनों को मारकर जंगल में फेंक दिया नीलगंज के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक फॉरेंसिक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो समाज से जुर्म को मिटाने में कानून का साथ दे, खूनियों को पकड़ने में मदद करे,
लेकिन तुमने अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल किया है, खुद एक अपराधी बन गए। ऐसे घिनौने अपराध की सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।